हेलो गाइस, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास ये नोकिया C1 है, यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है नोकिया C1। और ये सब जो है वो पूरी तरीके से शॉर्ट है, डेड है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर अंदर मॉडल दिखा दूँ। यहाँ पर C1 ऊपर वाले -01 है, ये मॉडल नंबर टोटल है, ठीक है। और इसमें ये सेट फुल शॉर्ट है और डेड है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई ऐसा सेट आए तो आपको बर्जा मोड पर रख कर मीटर को इसकी बैटरी कनेक्टर पर लगा कर चेक करना है, कंटिन्यूटी लेना है। हम इसको सेट कर ले रहे हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। आपको एक पर कुछ नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ सप्लाई देनी चाहिए। तो ये मेरा इस तरफ से शॉर्ट बता रहा है, तो दोनों तरफ ही हमारा शॉर्ट, यानी हमारा ये फुल शॉर्ट है, फुल डेड है सेट। तो जब ऐसा सेट आए तो आपको क्या करना है, चलिए हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। सेट को आपको फटाफट से ओपन कर लेना है, मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है और इसलिए इसमें फटाफट से काम हो रहा, ताकि आपका कम वक्त में ज़्यादा काम हो सके, इसलिए हमने वीडियो को तेज़ कर दिया है। और दोस्तों कैसी लग रही वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो देखने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है तो आप वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर तार लगा हुआ था, ये तार, ये वाला तार, ये सब यहाँ पर टूटे हुए हैं कई तार। तो हमको लग रहा है कि इसको इसका टच होने की वजह से मदरबोर्ड में ये दिक्कत आ रही है। ये देखिए यहाँ से भी तार टूटा हुआ है और हो सकता है कि ये तार आपस में टच हो रहे होंगे, इसी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है, सेट डेड बताता है, शॉर्ट बताता है या नहीं बताता है। हमको तो यही लग रहा है कि ये जम्पर वायर टूटने की वजह से सेट डेड बता रहा है। चलिए हम इसको चेक कर ले रहे हैं, अभी इसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। और अगर इसी वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये डेड सेट किस तरीके से सही किया जाएगा। तो इसको चेक करते हैं, तो ये अभी सही आ रहा है, फिर से चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा सही आ रहा है, तो हमारा ये टच होने की वजह से जम्पर हमारा सेट फुल शॉर्ट बता रहा था, डेड बता रहा था। चलिए एक बार हम बैटरी लगा कर इसको चेक कर ले रहे हैं कि हमारा सेट अब ओपन होने लगा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए हमारा सेट भी ओपन होने लगा है और हमारा प्रॉब्लम इसी वजह से था कि जो जम्पर वायर लगा हुआ था, ये जम्पर वायर आपस में कहीं टच हो रहे थे, इसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए यहाँ पर ये मशीन से भी ओपन हो रहा है सेट, तो ये हमारा शॉर्ट ये वायर की वजह से, जम्पर वायर की वजह से हो रहा था। चलिए हम आपको बता दें, अगर आपका डेड सेट है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो बैटरी कनेक्टर के पास कैपेसिटर लगा हुआ है इसको चेक करना है। अगर इस पर ये शॉर्ट है तो आपको इसको रिमूव कर देना है, और अगर ये शॉर्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको चेक करना है। दोनों को मैंने वीडियो फ़ोटो दे दिया है, इन दोनों में से कोई अगर शॉर्ट हो तो दोनों उसको रिमूव कर देना है, अगर दोनों शॉर्ट है तो दोनों को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।